अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, ज़वान दानिश, बायोलॉजी लेक्चर इज़ हियर। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है हमारा, वो असल में ALP की वजह से हम इसमें सिर्फ कंपैरिजन डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमने इसका जो टॉपिक है, वैसे तो हमने न्यू नाइन्थ में इसको जो है ना कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि इनका कैसे स्ट्रक्चर होता है, किस तरह के जो है ना इनकी फंक्शनिंग होती है वगैरह, हमने ये सब कुछ तफसील से डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो है इसका सिर्फ कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, जो कि एक टेबल है जो कि ALP के सिलेबस में ये शामिल है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और हो सकता है कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो आ जाए। तो इसलिए आज हम इसके जो है वो कंपैरिजन ही डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि ये जो हमारी जो हार्ट है, वो उसका फंक्शन होता है ब्लड की सप्लाई करना, ब्लड को पंप करना। अब जिस रास्ते के थ्रू ब्लड ने जाना है, हमारी बॉडी के अंदर मूव करना है, तो उसके लिए कोई जो है कोई सिस्टम ऐसा भी तो होना चाहिए, कोई कैनाल सिस्टम, कोई ऐसी जो है ना नालियों का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके ज़रिए जो है ब्लड जो है वो मूव करता हुआ जाए। तो ये हमारा जो है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो है हमारी बॉडी के अंदर ये फैली हुई है डिफरेंट टिश्यूज के पास, डिफरेंट हिस्सों के पास, जो कि ब्लड की सप्लाई कर रही होती हैं। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके डिफरेंट के पार्ट्स के पास लेके जा रही है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो वापस जो है हार्ट के पास लेके आ रही है, और वो हार्ट जो है वो दोबारा जो है हमारे लंग्स के पास जो है ना ब्लड को सप्लाई करता है, ताकि उस बॉडी उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन की जा सके और उसके बाद फिर बॉडी के पास उसको भेजा जा सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स में फंक्शन क्या है जी, आर्टरीज का क्या फंक्शन है, कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, और उसके साथ जो है वेन्स का क्या फंक्शन है। हम सबसे पहले इनका फंक्शन देखने लगे हैं। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज का काम होता है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना, ये हमारी आर्टरीज का काम है। और याद रखें, हमारी आर्टरीज के अंदर जो है ना जितनी भी आर्टरीज हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना पूरे हिस्सों के पास, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जा रही है वो आर्टरीज हैं, सिवाय एक आर्टरी के। एक ऐसी आर्टरी है हमारे ब्लड के सॉरी हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वो आर्टरी जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे लंग्स के पास लेके जाती है। इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज हैं, सबका जो फंक्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाना होता है। इसी तरह जो कैपिलरीज हैं, हम जो है ये फंक्शन में आर्टरीज के फंक्शन के साथ पहले जो है हम फंक्शन देख लेते हैं वेन्स का। वेन्स का जो फंक्शन है, जैसे हमने आर्टरीज देखा कि वो ब्लड जो है हार्ट से दूर लेके जा रही है, यानी कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास लेके जा रही है ब्लड को, जबकि जो वेन्स हैं कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यानी कि हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड आ रहा है। और वेन्स जो है जितनी भी वेन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास लेके आना। लेकिन सिर्फ एक ऐसी वेन है हमारी बॉडी के अंदर जिसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, और वो है पल्मोनरी वेन। चूंकि पल्मोनरी वेन नाम से जाहिर है, हमारे लंग्स से जो है ना ब्लड को लेके हार्ट के पास आ रही है, इसीलिए उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के पास सप्लाई करना, ताकि हार्ट उसको पूरी बॉडी के पास जो है वो सप्लाई कर दे। अब हम देखते हैं कैपिलरीज का क्या फंक्शन है। कैपिलरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो हमारे टिश्यूज के बाहर तक पहुंची हुई होती हैं, बारीक सी नालियां होती हैं जो कि ब्लड जो है हमारे एक एक सेल के पास लेके जा रही हैं। अब वहां पे जो ब्लड लेके जाती हैं, इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ मेटीरियल्स। ये मेन इनका काम यही है कैपिलरीज का, कि ये मटेरियल का एक्सचेंज करवाती हैं। एक तो ये सिंगल लेयर होती हैं, इसीलिए मटेरियल का एक्सचेंज होना यहाँ पे बिल्कुल ही आसान हो जाता है। इसी तरह हमने कैपिलरीज, जैसे कि आपने 8th क्लास में बोमेन कैप्सूल के अंदर भी देखा होगा कि उनके अंदर भी जो है बाल ऑफ कैपिलरीज होती है, जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस हैं, इनके अंदर भी कैपिलरीज हैं, यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है। ये स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल का, जो कि हिस्सा है नेफ्रॉन का, जो हमारे किडनी के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे भी बाल ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज का फंक्शन ये है यहाँ पे गुर्दों के अंदर, हमारी जो है किडनीज के अंदर, कि यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन का काम करवाते हैं।
तो यानी कि यहाँ पे जितना भी मवाद इसके अंदर आ रहा होता है, फालतू मवाद वगैरह, वो इसकी जो है वो फिल्ट्रेशन करवा रही होती है। यानी कि यहाँ से मतलब ये जाहिर हुआ कि जो कैपलरीज हैं, एक तो बारीक नाली हैं, पोरस होती हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से मटीरियल का एक्सचेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम मजीद देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सेल मौजूद है और उस सेल के बाहर जो है ना, ये एक जो है कैपलरी गुजर रही है। अब इस कैपलरी के अंदर जो है, इस कैपलरी के अंदर जो ब्लड वो आ रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सपोज। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह जो है और फूड वगैरह, वो इस सेल के अंदर आ जाएगी। जैसे ही ये चीज़ें इस सेल के अंदर आ जाएंगी और यहाँ से इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो यानी कि जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्रेटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड वगैरह, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वापस कैरी कर लिया जाएगा किसके अंदर, इन कैपलरी के अंदर। तो इस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ से हो रहा है, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। तो अब यहाँ से ब्लड से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से जो ऑक्सीजन हो गई और मिनरल्स हो गया, फूड हो गया, विटामिंस हैं, जितनी भी चीज़ें हमने जो डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब की हुई है वो अब इस सेल तक पहुँच रही है। अब इस सेल से जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस ब्लड के अंदर जो है वो कैरी हो चुका है। तो इस तरह की जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, एक्सचेंज ऑफ दिस थिंग्स, इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ कैपलरीज। तो ये कैपलरीज का हमारे जो बॉडी के अंदर मौजूद है, कैपलरीज हर टिश्यूज तक वो अप्रोच कर रही हैं, उनको हम जो है कैपलरीज का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन हो गया, अब हम देखते हैं इसका थिकनेस एंड इलास्टिसिटी इन द वॉल्स। कि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में हमें किस तरह से इनकी थिकनेस हमें जो है वो नजर आती है। एक तो ये थिक एंड इलास्टिक होती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द आर्टरीज, आर्टरीज जो है थिक है, मोटी है, और इन ये इलास्टिक भी होती हैं। इनके अंदर इलास्टिक टिश्यूज नेचर ने इसीलिए रखे ताकि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगे तो ये एक्सपेंड रिलैक्स हो सके, ताकि ब्लड प्रेशर जो है ना, ये कहीं पे भी कोई वॉल जो है वो रप्चर ना हो जाए, कहीं पे कोई हिस्सा जो है वो डैमेज ना हो जाए, फट ना जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए नेचर ने इनके अंदर इलास्टिक सिटी रख दी है, और इलास्टिक सिटी का ये फ़ायदा होता है, यहाँ पर वो जो है ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा भी हो तो ब्लड आसानी से यहाँ से गुजर सकता है, पास आउट हो सकता है। अब इसके तीन लेयर है, इनर लेयर, आउटर लेयर और उसके मिडल लेयर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो ल्यूमिन है, कि दरमियान वाला जो रास्ता है, इसको हम ल्यूमिन कहते हैं, जहाँ से ये ब्लड ने पास आउट होना है उसको हम नाम दे रहे हैं ल्यूमिन का। तो ल्यूमिन अंदर वाले रास्ते को कहते हैं। मिसलन कोई भी पाइप है, अब पाइप के दरमियान वाले जो खला है, वो जो रास्ता है जिसके अंदर जो है ना कोई भी मटीरियल जो है वो ट्रेवल कर रहा है, उसको हम ल्यूमिन का नाम देते हैं। इसी तरह ये जो दरमियान वाला जो इसका जो रास्ता है, ये थोड़ा सा तंग होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। अभी हम उनके दरमियान भी कंपेरिजन करते हैं। तो ये थिक है और इलास्टिक है। थिक का मतलब अच्छा खासा चौड़ा है, और इलास्टिक इन नेचर है, चूंकि इसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज की जो लेयर है वो ज्यादा मोटी होती है। इसके साथ हम वेन्स को देख लेते हैं। अब वेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो थिन है। एक तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये स्पेशली जो मिडल लेयर है वो थिन है, जबकि इसके अंदर जो है वो मिडल लेयर वो थिक है, ज्यादा मोटी है, ज्यादा चौड़ी है, जबकि ये जो है वो ज्यादा थिन है, इतनी ज्यादा मोटी नहीं है। थिन होने की वजह से अंदर वाला जो खला है, यानी कि जो ल्यूमिन है इसका, वेन का, वो ल्यूमिन ज़्यादा हो चुका है, वो ज़्यादा चौड़ा हो चुका है, खुला हो चुका है, जिसके अंदर जो है ना ब्लड का जो फ्लो है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। डेफिनेटली अगर रास्ता तंग होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर रास्ता जो है ज़्यादा खुला होगा तो खुला होने से ब्लड प्रेशर भी उसके अंदर लो हो जाएगा। अब हमने इनके दरमियान, ये आर्टरीज और वेन के दरमियान कंपैरिजन किया। इसी के साथ हम देखते हैं ये जो है कैपलरीज की जो है ना वो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। कैपलरीज जो है ना, ये सिंगल लेयर है, इनके अंदर जो है ना एपिथीलियम के बने हुए कुछ सेल्स होते हैं जिनकी से एक सिंगल लेयर पाई जाती है। चूंकि इसने एक्सचेंज ऑफ मटीरियल करना है तो इसलिए नेचर ने इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाया, तो इसीलिए जो है ये सिंगल लेयर्ड है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटीरियल जो है वो पॉसिबल हो सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं इनके अंदर जो है ना ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर की भी हमने अभी साथ बात कर ली है, वैसे कि हमने देखा कि इसका जो कि ल्यूमिन कम है, ल्यूमिन कम होने की वजह से, अंदर खला कम होने की वजह से इसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। जबकि
जबकि अगर हम वेन्स की बात करें तो इसके अंदर जो है ना वो ब्लड प्रेशर लो होता है, जबकि इनके अंदर कैपिलरीज के अंदर मीडियम होता है, ना हाई होता है ना लो होता है, चूंकि वो सेल्स जो वहाँ से नालियों से ब्लड निकलता हुआ चूंकि वो सेल्स तक चला जाता है, इसलिए वहाँ पे कोई ख़ास प्रेशर इनका नहीं फील किया जा सकता और ना ही वहाँ पे कोई प्रेशर में कोई कमी आती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो मीडियम रह जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं, बात करते हैं वॉल्व्स की, कि वॉल्व्स आर्टरीज मेंस कैपिलरीज में भी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। जिस तरह के वॉल्व हमने हार्ट के अंदर डिस्कस किए थे कि हार्ट के अंदर वॉल्व का फंक्शन क्या है, असल में वॉल्व का कहीं पे भी वॉल्व लगा हुआ है, सुई गैस का वॉल्व लगा हुआ है या कहीं पे भी वॉल्व लगा हुआ है, उसका फंक्शन ये होता है यूनिडायरेक्शनल मूव करवाना, किसी चीज़ को एक डायरेक्शन में मूव करवाना, रिवर्स कुछ भी ना हो। ये वॉल्व रिवर्स होने से बचाती हैं कि कोई चीज़ अगर आगे फॉरवर्ड हो गई है तो वापस रिवर्स पॉसिबल ना हो सके, तभी नेचर ने वहाँ पर वॉल्व सेट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है वॉल्व्स के अगर हम बात करें तो आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व्स नहीं पाए जाते, इसी तरह इनके अंदर कैपिलरीज के अंदर, इन दोनों के अंदर कोई वॉल्व्स नहीं पाए जाते। अगर वॉल्व पाए जाते हैं तो वो सिर्फ वेन्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इन दोनों की क्या वजह है कि वॉल्व नेचर ने आर्टरीज वेन्स को आर्टरीज और कैपिलरीज को तो वॉल्व कोई नहीं दिए, जबकि वॉल्व दिए हैं वेन्स को। उसकी वजह ये है कि जब हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है वो आर्टरीज के जरिए जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स के पास है। अब जब हार्ट से ब्लड जो है ना पंप होकर डिफरेंट पार्ट्स के पास जाता है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ब्लड जो है वापस आए, क्योंकि पंप से जब ब्लड निकल रहा है तो पंप से ब्लड निकलने से पॉसिबिलिटी नहीं है कि ब्लड जो है वो वापस आएगा। जबकि जो ये है वेन्स हैं, ये वेन्स डिफरेंट पार्ट से ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही होती हैं, तो अब यहां से चांसेस है कि ब्लड जो है वो ऊपर आता आता वापस ना चला जाए, तभी नेचर ने वेन्स के अंदर जो है वो वॉल्व रख दी है ताकि ऐसे जो है कोई जो है ना फ्लॉ हमारी बॉडी के अंदर पैदा ना हो सके। तो आज के इस लेक्चर में हमने कंपेयर किया आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज में। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस्ड।